हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगी। देखिए, येलो कलर की वूल है, आप देख सकते हैं। ये बर्दमान की वूल है। देखिए, बर्दमान की ब्लू वेल निटिंग यार्न, इस तरह से जो है इसका रैपर है। ये देखिए, 100 ग्राम के पैकेज में है जी। एक जो गोला है वो 100 ग्राम जो है इसमें बूल है इसकी। तो इस तरह की वर्धमान की बूल आप अगर इस तरह से खरीदना चाहते हैं तो ये वाली बूल खरीद सकते हैं। और देखिए, इस बूल के साथ मैं जो है ये वाला आपको डिजाइन बना करके दिखाऊंगी, इस तरह का। देखिए, ये जो डिजाइन है बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। देखिए, और बहुत ही बनाने में तो बहुत आसान है। देखिए, ये वाला डिजाइन आप जो है बेबी कार्डिगन पे डाल सकते हैं, लेडीज जैकेट पे डाल सकते हैं, लेडीज स्वेटर पे डाल सकते हैं। अगर आप जेंट स्वेटर पे इसे डालना चाहें तो वो भी इसे डाल सकते हैं, फ्रंट साइड के पल्ले में। तो इस तरह से ये जो डिजाइन है ये 12 के मल्टीपल में बनता है। जब भी आपने फंदे लेने हैं 12 के मल्टीपल में लेने हैं। 12 के मल्टीपल में फंदे लेके आपने 3 फंदे एक्स्ट्रा करने हैं, जो कि 2 हमारे एज स्टिच रहेंगे दोनों साइड, एक फंदा जो है डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए रहेगा। अब इस तरह का डिजाइन बनाने के लिए देखिए, 12 के मल्टीपल में फंदे जब आप लेंगे तो इस तरह से आपने काउंट करना है इन फंदों को। देखिए, ऐसे लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये पेयर में फंदे हैं तो 6 पेयर में हमारे 12 फंदे बन गए। 1 2 3 4 5 6, 12 हो गए। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 12 हो गए। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 12 हो गए। और प्लस हमारे पास 2 हमारे एज स्टिच है, एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा जो कि हमारे डिजाइन को कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से आपने 12 12 फंदे लेने हैं। तो फंदे डालने के बाद जो है हमारी एक सिलाई जो है मेरी उल्टी साइड से आ रही है, तो इसे मैं उल्टा बुन के ही कंप्लीट करूंगी। इस तरह से पूरे फंदों को उल्टा बुनूंगी, फिर उसके बाद राइट साइड से जो है डिजाइन को स्टार्ट करूंगी। इस तरह से ये एक बेबी कार्डिगन बना रही हूं। स्टेप बाय स्टेप इसकी अगली जो है वीडियो में आपको बताऊंगी कितने फंदे इसमें डालने हैं, कितने एज के लिए हैं। सबसे पहले मैं डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगी, क्योंकि कई लोगों की फरमाइश होती है कि आप डिज़ाइन नहीं दिखाते, तो डिज़ाइन ज़रूर दिखाया कीजिए। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है इसमें डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगी। तो इन 39 फंदों पर मैं डिज़ाइन देखिए बना रही हूँ, 12 के मल्टीपल में, 12 36 और 36 + 3 जो है 39 फंदे हैं। तो 39 फंदों में मैं आपको डिज़ाइन बना कर दिखाऊंगी। तो 39 फंदों पे तीन तीन डिज़ाइन जो है बन जाएंगे यहाँ पे। इस तरह से फर्स्ट रो हमारी उल्टी साइड से हमने कंप्लीट करनी है, फंदे डालने के बाद अगर आपकी उल्टी साइड से जो है फर्स्ट रो आ रही है। तो अब हम जो है डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, आपने जो है इस तरह से कंप्लीट करना है इस डिजाइन को। फर्स्ट रो है, राइट साइड है, एक फंदा हम उतारेंगे। देखिए, एक फंदा उतारने के बाद 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। 2 का मतलब कि 1 बनाएंगे। 2 का 1 बनाने के बाद 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बनाए। एक फंदा उतारा, 2 का 1 बनाया, 4 फंदे उल्टे। धागे को हम अपनी साइड रहने देंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे ऐसे, मतलब कि हमने यहाँ पे जाली बनानी है, इस फंदे के इस तरफ भी, इस फंदे के इस तरफ भी। तो हमने उल्टे फंदे बुनने हैं, तो इस तरह से हम जाली बनाएंगे और 4 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे हो गए।
अब हमने तीन फंदों का एक बनाना है, तीन फंदों को उल्टा इकट्ठा बुनना है, तो तीन का एक बना देंगे इस तरह से। फिर एक दो तीन चार, फिर यहाँ पे इस फंदे के ऊपर जाली बनानी है, तो धागे को अपनी तरफ करके ही इसमें इसको सीधा बुनेंगे, तो यहाँ पे जो है एक जाली बन जाएगी। फिर अपनी तरफ धागा लाएंगे और एक हमारे जो है इस तरह से जाली बनेगी, सिलाई के ऊपर इस तरह से रैप करेंगे धागे को और चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार। अब देखिए यहाँ पे जाली वाला हो गया, तो यहाँ पे तीन फंदों को हम इकट्ठा बुनेंगे, तीन का एक बनाएंगे ऐसे। फिर एक दो तीन चार, फिर यहाँ पे इस फंदे की इस तरफ जाली बनाएंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। जब हम धागे को अपनी तरफ रखेंगे और सीधा बुनेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक जाली बन जाएगी यहाँ इस तरह से। फिर हम उल्टा, हमने यहाँ पे उल्टे फंदे बनाने हैं, तो धागे को इस तरह से घुमाना है सिलाई के ऊपर, चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार। अब लास्ट में हमारे पास तीन फंदे हैं, तो दो का एक करेंगे जैसे हमने स्टार्ट में किया, दो का एक और ये वाला फंदा सीधा। और देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, जितनी भी हमारी रोज जो है उल्टी साइड से आएंगी, पूरे फंदों को हमने उल्टा बुनना है। जो हमारे पास जाली बनी है उन फंदों को भी हम उल्टा बुनेंगे इस तरीके से, देखिए ऐसे इस तरीके से। तो उल्टे साइड की जो है रोज में है आपको बना के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि पूरे फंदों को हमने उल्टा ही बनाना है, कोई भी उसमें जो है हेर फेर नहीं करना है, फेर बदल नहीं करना है उसमें, पूरे फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। जैसे कि ये साइड से इस सिलाई में मैं बना रही हूँ, सेकंड सिलाई है जे, सेकंड रो है हमारे डिजाइन की, और इसे हम उल्टा पूरा बुन के कंप्लीट करेंगे। एक साइड से उल्टी रो मैंने आपको पूरी बना के दिखा दी। अब हमने जो भी उल्टी हमारी रो आएगी वो पूरी उल्टी बुन के हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सीधी साइड में थर्ड रो है हमारी, सीधी साइड में एक फंदा फिर से स्लिप करेंगे, पहला एज स्टिच है, और दो फंदों को फिर से देखिए, दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे इकट्ठा, दो का एक किया। पहले हमने चार फंदे उल्टे बनाए थे, यहाँ पे एक फंदा हमारा और कम हो गया, तो हमारे तीन फंदे यहाँ पे बचेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे आए। अब यहाँ पे ये जो फंदा है जाली पहले बनाई थी उसे हम बिल्कुल सीधी तरह से ऐसे सीधा बुनेंगे। इस फंदे के फिर से इस तरफ और इस तरफ जाली बनानी है, तो धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बुनेंगे और फिर इसे सीधा बुनना है, धागे को फिर से अपनी तरफ करेंगे, इसे सीधा बुन लेंगे, देखिए इस तरह से आएगा। फिर हमारे तीन फंदे जो हैं उल्टे आएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे आ गए। अब देखिए फिर यहाँ पे तीन फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, तीन फंदों को इकट्ठा बुना, और फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। अब देखिए फिर से जाली वाला फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे और इसके आसपास दोनों तरफ जो है जाली बनानी है इस तरह से, इस तरह से, ये हो गया। फिर यहां से तीन फंदे उल्टे और यहां पे तीन फंदों को हम इकट्ठा बुनेंगे, देखिए एक दो तीन, तीन का एक कर दिया यहाँ पे। फिर तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे और फिर देखिए तीसरा डिजाइन आ गया हमारा, जाली बनानी है तो एक फंदा जाली वाला बुन दिया सीधा, इस फंदे के आसपास जाली बनानी है इस तरह से, धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा सीधा, फिर तीन उल्टे आएंगे हमारे। ये हमारी थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट होगी, दो का एक और सीधा एज स्टिच।
अब उल्टी रो पूरी उल्टी बनाई जाएगी। अब देखिए फोर्थ रो हमारी उल्टी साइड से आ गई, तो फिफ्थ रो हमारी जो है कैसे बनेंगी ध्यान से देखिए। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, एज स्टिच है, और दो का फिर हम एक बनाएंगे। पहले हमने चार फंदे बनाए, फिर तीन फंदे, अब हमारे दो फंदे उल्टे बनेंगे दो का एक करने के बाद। तो दो का एक करने के बाद दो फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ से जो है ये दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे, ठीक है, जाली वाले फंदे हैं, इन दो फंदों को सीधा बुनेंगे। अब इस फंदे को हमने सात बार बनाना है, देखिए एक एक फंदा हो गया, दूसरा फंदा इस तरह से बनाएंगे, तीसरे को बुन के बनाएंगे तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात। तो सात फंदे बुनेंगे हम, एक में से सात फंदे हमने यहाँ पे निकालने हैं। तो दो फंदे हमारे यहाँ पे, एक जाली वाला उल्टा सीधा आएगा और ये वाला फंदा भी हम सीधा बुनेंगे। तो दो फंदे हमारे फिर यहाँ पे उल्टे आएंगे, और यहाँ पे देखिए तीन का एक बनाएंगे फिर से हम, यहाँ पे तीन का एक बनता आ रहा है तो तीन का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, फिर दो उल्टे, और फिर देखिए सीधा आ गया एक दो। दो फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पे इस फंदे को फिर से हमने सात टाइम बुनना है, एक दूसरा ये तीन, चौथा पांच, छः और ये सात। सात फंदे बनाने के बाद दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे जो हैं उल्टे आएंगे, और तीन फंदों को हम जो है उल्टा बनाएंगे इकट्ठा। तीन का एक हम हमेशा यहाँ पे ही करेंगे, यहाँ पे हम करते आए हैं स्टार्टिंग में इस तरह से। फिर दो फंदे सीधे, और इस फंदे के ऊपर हमने सात फंदे बनाने, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। फिर दो उल्टे, दो सॉरी सीधे, और दो फिर उल्टे बनाएंगे, और दो का एक करेंगे लास्ट में, और एक हमारा एज स्टिच है। फिफ्थ रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सिक्स्थ हमारी जो है देखिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, इन फंदों को हम भी उल्टा बुनेंगे एक एक करते हुए। जो हमारे सात फंदे बने हैं एक फंदे में से, उन्हें भी हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। देखिए ध्यान से बुनना है सातों को इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच छ सात, और बाकी फंदे इसी तरीके से हम पूरी रो को उल्टा बुनेंगे सिक्स्थ रो में। अब देखिए डिज़ाइन की सेवन्थ रो है, सेवन्थ रो को हम सीधी साइड से बुनेंगे इस तरह से, दो का एक, एक फंदा उतारा दो का एक, अब हमारे पास एक फंदा सीधा आएगा। अब यहाँ पे ये जो 11 स्टिच हमारे बने हैं इन्हें सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये 11। इन्हें सीधा बुनने के बाद फिर यहाँ पे एक फंदा हमारा उल्टा जो रह गया है वो बुनेंगे, और तीन का एक करेंगे इस तरह से, तीन का एक किया, फिर हमारे पास एक फंदा उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे, और 11 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11, फिर एक उल्टा और तीन का एक बनाएंगे इस तरह से, तीनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे तीन का एक, फिर हमारे पास एक फंदा जो है उल्टा है उसे हम उल्टा बुनेंगे, और 11 फंदे हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये 11, फिर एक हमारे पास उल्टा है और दो का हम एक करेंगे लास्ट में। देखिए फर्स्ट में भी हम दो का एक करेंगे, यहाँ पे भी दो का एक करेंगे, जो हमारे बीच वाले फंदे आएंगे उन्हें हम तीन का एक बनाएंगे, तीन को इकट्ठा बुन के एक फंदा बनाएंगे। अब उल्टी साइड से पूरी रो को हम फिर से उल्टा बुनेंगे, एट्थ रो है हमारी।
अब देखिए 9th रो में सीधी साइड एक फंदा उतारा और दो हमारे पास बचे हैं, दो का एक करेंगे। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे फंदा कोई भी उल्टा नहीं बचा है, तो इसे हम सीधे फंदों से बनाएंगे। जितने हमारे पास सीधे फंदे हैं, 11 हमारे पास फंदे सीधे हैं, तो 11 फंदों को हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। 9th रो है, ध्यान से देखिए। देखिए 11 फंदे हमने फिर सीधे बना दिए। अब हमारे पास यहाँ पे एक फंदा उल्टा बचा, 11 फंदे सीधे, तो फिर हमने यहाँ पे 3 फंदों को इकट्ठा बुनना है। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी उल्टा फंदा नहीं है, तो सीधे फंदे 11 आएंगे। देखिए 11 फंदों को हम सीधा बुनेंगे ऐसे। फिर हमारे पास 3 फंदे उल्टे हैं, देखिए 1 2 3, तीनों को इकट्ठा यहाँ पे बुन के एक फंदा बना लेंगे। फिर धागा बैक साइड करेंगे और 11 फंदे हम उल्टे बना सीधे बनाएंगे, सॉरी सीधी साइड से इस तरह से। 9th रो है डिजाइन की, देखिए 2 का 1 और ये फंदा सीधा। अब 10th रो डिजाइन की जो है उसको हम जो है उल्टा पूरा बुन के कंप्लीट करेंगे। 10 रो का डिज़ाइन है, ये हमारी लास्ट रो है। इसके बाद जैसे आपने फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरीके से हमारी 11th रो जो है सेम उस तरीके से आएगी। बाकी हमारा डिज़ाइन दोबारा से ऊपर शुरू हो जाएगा फिर से। ये 10 रो का डिज़ाइन है, 10th रो हमारी यहाँ पे उल्टी साइड से कंप्लीट होने जा रही है। तो इसको कंप्लीट करके मैं इसकी आपको जो है फाइनल लुक दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से उल्टी साइड से हमने उल्टी रो पूरी कंप्लीट करनी है, क्योंकि उल्टी रो जो है हमारी पूरे फंदे जो है उल्टे उल्टे बन रहे हैं। तो ये 10 रो का डिज़ाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से बनेगा ये। तो ऊपर आपने फिर से यहाँ पे एक फंदा बुना, उतारा, 2 का 1 किया, फिर हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। इस फंदे पे जालियां बनेगी दोनों साइड से, फिर 4 फंदे उल्टे बनेंगे, ये 3 का 1 बनेगा। तो इस तरह से आपने ऊपर उस तरह से फर्स्ट रो से डिजाइन अपना शुरू कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट रो से सीधी साइड से डिजाइन स्टार्ट किया। देखिए 10 रो का डिजाइन है, 1 2 3 4 5, 10 रो से हमारा डिजाइन जो है एक डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डिजाइन जो है ऊपर बनता हुआ जाएगा। देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, और बनाने में तो आपने देखा होगा कितना ही आसान है बनाने में। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।